आज की क्लास में हम नियोग्नाथे या कैरिनेचे पढ़ेंगे। नियो मीन्स जॉ, न्यू जॉ, कैरिना मीन्स अ कील। तो जो नियोग्नाथे के जो बर्ड्स होती हैं, मोस्ट मॉडर्न टाइप की बर्ड्स हैं, स्मॉल साइज्ड बर्ड्स होती हैं, विंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, फेदर्स में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है, रेक्टराइसेस एट टेल फेदर्स रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, नियोग्नाथस टाइप ऑफ स्कल होता है, स्कल में सूचर्स नहीं पाए जाते हैं, क्वाड्रेट डबल हेडेड होती है, स्टर्नम वेल डेवलप्ड होती है और उसमें कील प्रेजेंट होती है फ्लाइट मसल्स जुड़ने के लिए, अनसिनेट प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, पाइगोस्टाइल प्रेजेंट होती है, स्कैपुला कोराकोइड राइट एंगल पर जुड़ती हैं या एक्यूट एंगल पर जुड़ती हैं, क्लेविकल्स वेल डेवलप्ड होते हैं, इलियम ईशियम पीछे की तरफ जुड़ती हैं, पेक्टोरल मसल्स बड़ी बड़ी और वेल डेवलप्ड होती हैं, मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है और सुपर ऑर्डर नियोग्नाथे में बहुत सारे ऑर्डर्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हम ग्रुप ए आर्बोरियल बर्ड्स देखेंगे। आर्बोरियल बर्ड्स जो होती हैं वो अपना अधिक समय ये पेड़ों पर और छोटी छोटी झाड़ियों पर बिताती हैं और सबसे पहला इसका ऑर्डर है ऑर्डर पेसेरी फॉर्म्स। इसमें जो बर्ड्स आती हैं उनके जो पैर हैं वो पर्चिंग के लिए अडेप्टेड रहते हैं। पर्चिंग मीन्स उड़कर पेड़ की डाली पर बैठने के लिए, और जो उनकी बीक्स होती हैं वो काटने के लिए अडेप्टेड होती हैं। और इसमें आती है कॉमन हाउस पैरो, पेसर डोमेस्टिकस, क्रो, कॉर्वस प्लैंडेंस, जंगल क्रो, कॉर्वस मैक्रोहाइनकॉस, मैना, बहुत सारी और भी बर्ड्स इसके अंदर आती हैं। टेलर बर्ड इसके अंदर आती है, वीवर बर्ड या बया इसमें आती है, बुलबुल आती हैं, स्वालो आती है, स्टारलिंग्स आती हैं। ऑर्डर सेकंड है पिसी फॉर्म्स। पिसी फॉर्म्स मतलब वुड पैकर फॉर्म, वुड पैकर्स वगैरह कटफोड़वा इसमें आते हैं। डेंड्रोकॉपस मेरेंटेंसिस, गोल्डन बैक्ड वुड पैकर, डायनोपियम बेंगलेंसिस ये इसमें आते हैं। ऑर्डर थ्री जो है वो है इसका कोलंबी फॉर्म्स, और कोलंबी फॉर्म्स में डव्स और पिजिन आते हैं, कबूतर और जो डव्स होती हैं वो इसमें आती हैं, जैसे ब्लू रॉक पिजिन है, कोलंबा लीविया, ग्रीन पिजिन है वो इसमें आता है, क्राउन पिजिन आते हैं, पैसेंजर पिजिन आते हैं जो चिट्ठियाँ भेजने के काम में लिया जाता था, जिनको एक्टोपिस्टिस इसको कहते हैं, रिंग टर्टल डव आती है, स्ट्रेप्टोपेलिया है, स्पॉटेड डव आती है, स्ट्रेप्टोपेलिया जिसे आप बटेर कहते हैं, डोडो जो एक्सटिंक्ट हो गई है वो भी इसमें आती थी। सिटेसी फॉर्म्स, सिटेसी फॉर्म्स मीन्स पैरट फॉर्म्स, और इसके अंदर तोते आते हैं, बड़े बड़े पैराकीट्स आते हैं, लव बर्ड्स आती हैं इसके अंदर, जैसे लार्ज इंडियन पैराकीट जिसे कहते हैं सिटिक्युला यूपेट्रिया, ग्रीन पैरट जो कॉमनली पाया जाता है सिटिक्युला क्रैमरी ये इसमें आते हैं। फिर दूसरा ग्रुप है टेरिस्ट्रियल बर्ड्स का, और ये बर्ड्स परफेक्टली दे आर एबल टू फ्लाई, उड़ सकती हैं, परंतु ये अधिक समय जमीन पर चलने में दौड़ने में बिताती हैं। और ऑर्डर फाइव इज का गेली फॉर्म्स, जिसमें गेम बर्ड्स आती हैं जो कि नोटेबल हैं पैलेटेबिलिटी के लिए, इन्हें खाया जाता है, फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े स्क्रैचिंग मैसिव फीट होते हैं, शॉर्ट पर छोटी छोटी पावरफुल फ्लाइट से लेती हैं, और ज़्यादातर दाना खाती हैं, ग्रामिनिवोरस ये होती हैं, जैसे रेड जंगल फाउल इसके एग्जाम्पल है, गेलस, पेवोक्रिस्टेटस जो पिकॉक है, क्वेल इसका एग्जाम्पल है, पार्ट्रिज इसका एग्जाम्पल है, चकोर जो है एलेक्टोरिस ग्रेका जिसे कहते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। ऑर्डर सिक्स इज कुकुली फॉर्म्स, कुकूस इसके अंदर आती हैं, कुकू और क्रोपीजेंट्स इसमें आती है, कोयल वगैरह इसमें आती है, यूडाइनमिस कोयल का नाम है। ग्रुप सी है स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स का, और ये बर्ड ज़्यादातर स्विम करती हैं या फिर डाइव करती हैं। इसमें ऑर्डर है एंसेरी फॉर्म्स, एक्वाटिक बर्ड्स जैसे गीज, स्वान, डक इसमें आती हैं, वाइल्ड डक जैसे मलार्ड एनास जिसका जोलॉजिकल नेम है, कॉमन टील जिसमें आती हैं, बार हेडेड गूज आती हैं, स्वान आती है, सिग्नस इसका नाम है। फिर ऑर्डर एट इज कुरेशी फॉर्म्स, क्रो और रेवन फॉर्म हम कहते हैं, इसमें किंग फिशर्स और इसके जैसे ही बर्ड्स आती हैं, वाइट ब्रेस्टेड किंग फिशर जैसे हेलसाइन कहते हैं,
पाइड किंगफिशर, ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल, हुपी, ये सब इसमें आते हैं। ऑर्डर 9 है गेवी फॉर्म, सी म्यू फॉर्म्स इन्हें हम कहते हैं। और इनमें जो बर्ड्स आती हैं वो मराइन बर्ड्स हैं, यूजुअली मरीन बर्ड्स होती हैं, इन्हें लून्स कहते हैं। और इनकी आप देखें इसके पहले इसका ऑर्डर 10 है पोडिसिपेडी फॉर्म्स या कोलंबी फॉर्म्स, तो डाइविंग बर्ड्स हैं, क्रैब्स इसमें आते हैं, पोडिसाइप्स डाइवर्स इनको कहते हैं। फिर है ऑर्डर 11 प्रोसेलेरी फॉर्म्स, प्रोसेलेरी फॉर्म्स टेम्पेस्ट फॉर्म, इसमें ट्यूब नोज्ड बर्ड्स आती हैं, लॉन्ग और ऑयली इनकी विंग्स होती हैं, मोस्टली सी बर्ड्स होती हैं जैसे कि एल्बेट्रॉस इसमें आती है, शियर वाटर। तो एल्बेट्रॉस एंड शियर वाटर दे आर द माइग्रेटरी बर्ड्स, ग्रेटेस्ट फ्लायर्स होती हैं ये। फिर ऑर्डर 12 इस पेलिकनी फॉर्म्स, पेलिकन्स आते हैं इसके अंदर, डार्टर्स हैं, गैनेट्स हैं, कॉर्मोरेंट्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। फिर शोर बर्ड्स एंड वेडिंग बर्ड्स, ये बर्ड्स ज़्यादातर किनारे पर खड़ी रहती हैं और कभी कभी ये डुबकी भी लगाती हैं, ये ऐसी बर्ड्स हैं। तो इसका ऑर्डर है चेराइडरी फॉर्म्स, इसमें आते हैं ज़्यादातर शोर पर रहने वाली बर्ड्स, जिनके लंबे लंबे पतले पतले पैर होते हैं, वेडिंग लेग्स होते हैं, वेब टोज होते हैं, और जो बीक होती है वो मिट्टी के अंदर मड क्रोबिंग बीक होती है, मतलब मिट्टी में को छानकर ये मिट्टी में से कीट वगैरह खाते हैं। तो रेड बैटल लैपविंग इसमें आती है, फीजिन टेलर टेल्ड जकाना आता है, सैंड पाइपर्स आते हैं, स्नाइप्स आती हैं, गर्ल्स आती हैं। ऑर्डर 14 है किकोनी फॉर्म्स, लॉन्ग लेग्ड मार्शी वेडिंग बर्ड्स इसमें आती हैं, और इनका जो नेक होता है काफ़ी लंबा नेक होता है और स्नेक लाइक नेक होता है, और जो इनकी चोंच होती है वो पिंसर लाइक होती है, जेवलिन जैसी होती है, ताकि वो अपने शिकार में जो एक्वेटिक प्रे होता है उसमें उसको पियर्स कर सके, घुसा सके। तो इसके अंदर हेरन्स आते हैं, आर्डिया हेरन का नाम है, नाइट हेरन्स आते हैं, स्पून बिल्स आती हैं, स्ट्रॉक आते हैं, फ्लेमिंगो इसका एग्जांपल है। ऑर्डर 15 ग्रुई फॉर्म्स, ग्रुई फॉर्म्स में क्रेन जैसी वेडिंग बर्ड्स आती हैं, जिनके लंबे लंबे पैर होते हैं और पार्शियली वेब्ड उनके फीट होते हैं। कॉमन कूट्स, सारस, क्रेन और हमारा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कोरियोटिस, वो भी इसमें ग्रुई फॉर्म्स में आता है। ग्रुप ई है बर्ड्स ऑफ प्रे, मतलब ऐसी बर्ड्स जो कि हंट करती हैं, मोस्टली डायनल बर्ड्स होती हैं, दिन में ये हंटिंग करती हैं। इनकी जो चोंच होती है हुक के आकार की चोंच होती है, कर्व्ड होती है, और जो उनके क्लॉज होते हैं, नाखून नखर जिस होते हैं, वो भी कर्व्ड होते हैं। और इसमें आती हैं जैसे चील है, काइट जिसे हम कहते हैं, मिल्वस माइग्रेंस, ब्राह्मिनी काइट इसमें आती हैं, हॉक आते हैं, बाज आते हैं इसके अंदर, गिद्ध आते हैं, ये सब इसमें आते हैं, ईगल है। ऑर्डर 17 इसका स्ट्रिजी फॉर्म्स, मतलब उल्लू के जैसे बर्ड्स इसके अंदर आते हैं, मोस्टली रात में ये बर्ड्स निकलती हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनका सिर बहुत बड़ा होता है और आगे का जो हिस्सा होता है वो आँखें जो होती हैं वो फ्रंट में होती हैं, अगर उल्लू आप देखें तो दोनों आँखें आगे होती हैं, जब कौवे में देखें तो साइड में होती हैं, लिटरली प्लेस्ड है। और जो उनके पैर होते हैं वो पावरफुल ग्रेस्पिंग फीट होती है, और जो इसके जो पैर होते हैं उन पर इसमें बाल भी पाए जाते हैं, और ब्राउन फिश आउल, ग्रेट हॉर्न्ड आउल, बुबो ये इसके एग्जाम्पल है। फिर है एरियल बर्ड्स, एरियल बर्ड्स ऐसी बर्ड्स हैं जो ज़्यादातर उड़ती रहती हैं और कभी कभी ही वो बैठती हैं पेड़ पर, क्योंकि उनके जो फीट होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो कॉन्स्टेंटली दे आर ऑन द विंग्स, उड़ती रहती हैं। और इसका ऑर्डर है माइक्रोपोडी फॉर्म्स या एपोडी फॉर्म्स, इसमें हमिंग बर्ड जो स्विफ्ट्स आती हैं, इंडियन स्विफ्ट इसका एग्जाम्पल है। फिर है कैप्री मुर्गी फॉर्म्स,
ये भी गोट सकर फॉर्म कहते हैं। बड़ी शाय बर्ड्स होती हैं, शर्मीली होती हैं, रात में निकलती हैं, कीच खाती हैं। नाइट हॉक्स इसके एग्जाम्पल है, व्यूपूर वेल्स, गोट सकर्स इसका एग्जाम्पल है। अब मैं आपको कुछ कॉमन इंडियन बर्ड्स के चित्र दिखा रही हूँ। जैसे आप देखेंगे कि हाउस स्पैरो है, कॉमन क्रो है, ये आप देखेंगे बया है, मैना है, ये बुलबुल है, ये पैरट है, ग्रे जो इंडियन पैरट होता है, ये कटफोड़वा जो है वो है, ये चील है, ये भी चील है, फिर आप देखेंगे ये कोयल है, कॉमन बर्ड्स हैं। फिर आप ये देखिए जो मैंने अभी आपको बर्ड्स ऑफ प्रे बताई हैं, इसमें ये गिद्ध है, किंग वल्चर है, ये है ग्रेट हॉर्न्ड आउल है, उल्लू भी बर्ड ऑफ प्रे है, और ये फ्लैमिंगो है जो मैंने स्नेक लाइक नेक बताया था प्रोसेलेरी फॉर्म्स में, जो इसका मैंने आपको बताया था प्रोसेलेरी फॉर्म्स नहीं है, इसका ऑर्डर दूसरा है, इसका जो है जो ऑर्डर है वो है किकोनी फॉर्म्स। तो किकोनी फॉर्म्स में ये आती हैं, ये आप देख रहे हैं इसकी फ्लेमिंगोज, लॉन्ग स्नेक लाइक नेक इसके अंदर है, ये वुडपैकर है, डायनोपियम डेंड्रोकॉपस, नॉट डायनोपियम डेंड्रोकॉपस, दिस इज़ द पीकॉक पेवोक्रिस्टेटस, गोल्डन बैक वुडपैकर है, डायनोपियम बेंगलेंसिस, ये है डायनोपियम बेंगलेंसिस और ये डेंड्रोकॉपस, दोनों में अंतर है। देखिए इसके सिर पर कलंगी जैसी है, इसमें नहीं है।